ड्रॉपआउट प्राइवेट लिमिटेड में आने के लिए, यहाँ के कंपटीशन में भाग लेने के लिए आपको अपना ये कंपनी बंद करना पड़ेगा। पर ये एक्सपीरियंस बेजोड़ है, ये एक्सपीरियंस तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा कि नॉन क्वालिफाइड, नॉन बिजनेस, नॉन एंटरप्रेन्योर्स को लेके, उनको ट्रेन करके, गाइड करके, उनका कंपटीशन करके, उनके विनर्स से एक स्टार्टअप बनाया जाए। एक कॉन्डम की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे या नहीं सर? नहीं कर पाए सर, आइडिया था। क्या आइडिया था ये? हाँ, क्या बिजनेस आइडिया, समझा मुझे सर। सुनामी आया था, सुनामी को हम रोक नहीं सकते, दैट्स नॉट इन आवर हैंड्स। Are you? This is somehow going to go to a condom? No, sir. Just let me. I am very intrigued. I want to know. He's a very good pitcher, man. We can't stop a natural calamity. That's not in our hand. हम लोग नहीं रुक सकते. Same goes for AIDS, sir. AIDS, HIV. हम लोग के हाथ में नहीं है. All we can do is take protection. Sir, what I did, एक idea था. Litmus paper turns red when it comes in contact with acid, and reverse happens when it comes in contact with base. So मैंने सोचा कि अगर वो litmus का concept लेके ऐसा कोई condom बनाया जाए, which can detect HIV when comes in contact. अमीर dad के बिगड़े हुए बच्चों को ऐसे अय्याश ideas तो आते रहते हैं। और मैं condom को अय्याश नहीं बोल रहा हूँ। Condom is actually an effective guard against AIDS. तो अगर condom पहना हुआ है, are you understanding me? Or should I spell it out for you? You're trying to tell me that if I tell you my date of birth, you'll tell me my personality type. थोड़ा experiment करते हैं ना, तो खुद ही एक you know astrological expert हैं, तो आप अपना future बताइए। क्या नहीं बाबा, we need to know this. How are you claiming to predict future events based on science when science itself says that stars are in humans' future? Humans' future is not in stars. I think for an entrepreneur, it's very important to believe in themselves. Belief is different, and having a very high opinion of yourself is very different. That you might want to get it a little bit in sync, because लाते पड़ेंगे बाहर जाके. Have you ever failed as an entrepreneur? आपने लिखा no, और brackets में लिखा fortunately. ठीक है? आपने वो fortunately क्यों लिखा है? एक time पे गलत decision लिया. यहाँ पे family थी. यहाँ पे कुछ अलग करना था. मुझे लगा कि पहले मैं कुछ कर दूं. ऐसा नहीं था कि उन्हें बताना नहीं था, बताना था, ज़रूर बताना था, बट इट वॉज लाइक कि यार पहले कुछ करके दिखा दे, ऐसा नहीं हो कि फेल हो जाए एंड फिर पेरेंट्स वापस बुला लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है. मैंने फिर पेरेंट्स को पहले नहीं बताया था, क्योंकि मुझे लगता था वो क्या. फिर जब मेरे पेरेंट्स देखने लगे कहीं है इंडल्ज, तो मैंने उनको बताया. मुझे लगा था मुझे डांटेंगे, बट उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, उन्होंने बोला तुम यही करो. रियली यंग, हम लोग बहुत यंग दिखते थे, ऑलमोस्ट 21 ईयर ओल्ड फ्रेश ग्रेजुएट्स. और जब हम लोग मीटिंग अपॉइंटमेंट्स मिल रहा था, तो हम लोग मीटिंग में कोई सीरियसली नहीं लेते. ये बच्चे लोग आए, अच्छा क्या है लेजर टैग, क्या है ये 70 ईयर ओल्ड मैन, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन लेजर टैग, ये बकवास, रेस्टोरेंट खोलना है फिर बोलो. नहीं जाकर आई कुडंट कन्विंस देम फर्स्ट, लेजर टैग इज व्हाट. यूएस में होता है, चाइना में होता है, यूरोप में हो रहा है, इंडिया में भी कहीं जगह पे हो रहा है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है इस प्रोडक्ट की. पर्सनली मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, मैं इस पर काम करूँगा. आपको पता है सारा ब्लेकली कौन है? शी इज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल बिलियनेयर एट 41. ओके, द रेस इज ऑन. द रेस इज ऑन एक्चुअली फॉर यू. व्हाई शुड वी चूज यू एज पार्ट ऑफ ड्रॉपआउट प्राइवेट लिमिटेड? 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जब आपको दिखेगा कि सौरभ विज एक फर्स्ट बंदा है दुनिया का जिसने न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव किया और इंडिया का नाम ग्लोबल लेवल पे लेकर आ गया है, देन यू विल फील प्राउड ऑफ द फैक्ट कि MTV ड्रॉपआउट से निकला था एंड हमने इसको ट्रेन किया था, हमने इसको इनिशियल फाउंडेशन बनाने में हेल्प करी थी.